हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम माई न्यू वीडियो मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है एंड काफ़ी है है सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर हम ट्रेनिंग के लिए कैसे अप्लाई करें फॉर्म में पी एस यूज में कहीं पे भी हमें किस तरीके से हमें अप्लाई करना है और उसकी वैकेंसीज हमें कैसे मालूम चलेगी तो इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप वैकेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हो एंड आप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा हाँ रिज्यूम कैसा होना चाहिए आप मेल ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है कि आपका सी का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए एंड जब आप किसी को मेल कर रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कभी कभी रिज्यूम शेयर करते हो तो आपको किस तरीके से उन्हें मैसेज लिखना है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है आप सी बी फोर सी आप सर्च करोगे आप यूट्यूब पे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आप किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो ओके तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन और जो बेसिक थिंग है वो मैं आपको बताता हूँ देखो तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाओगे यहाँ पे जैसे मैं गया यहाँ प्लेसमेंट का सेक्शन है प्लेसमेंट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेनू है यहाँ आप नीचे आओगे ओपनिंग फॉर सी एम एच इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखो आपको थ्री टैब दिख रहे हैं पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनल क्वालिफाइड पोस्टेड बाई ऑर्गनाइजेशन फॉर इंटरमीडिएट क्वालिफाइड एंड गैदर फ्रॉम द न्यूज़ पेपर तो आप पहले तो आप यहाँ से आप चेक कर लो इंटरमीडियट क्वालिफाइड के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हो क्योंकि तो इंटरमीडिएट क्वालिफाइड के लिए यहाँ पे फोर टू फाइव वैकेंसीज है आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मोर डिटेल्स पर आप जाओ वहाँ स्टाइफन लिखा होगा उनका लोकेशन लिखा होगा सब कुछ डिटेल्स दिया होगा एंड आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट तो ये तरीका है आपको वैकेंसीज फाइंड आउट करने का जो आप इनशूट के वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या आता है गैदरड फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेज जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी आती है वो सीएमएच क्वालिफाइड के लिए भी आती है एंड इंटर क्वालिफाइड के लिए भी आती है तो गाइस यहां पे देखो यहाँ पे इंटर के लिए वैकेंसी एक आ रखी है कैट क्वालिफाइड के लिए भी आ रखी है इस तरीके से आप नीचे ड्रॉप डाउन करके जाओगे तो आपको दिखेगा इंटर क्वालिफाइड इंटर यहाँ पे भी इंटर के वैकेंसीज है यहाँ पे भी सी एम इंटर की वैकेंसीज है ठीक है बहुत सारी पुरानी वैकेंसीज भी है बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वैकेंसीज को आप सर्च कर सकते हो तो आपको यहाँ पे देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आ रखी थी यहाँ सी एम ए इंटर यहाँ पे भी टेक्निकल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आ रखी थी सी एम इंटर के लिए तो इस तरीके से काफी सारी वैकेंसीज आते रहती है ये दो पहले पोर्टल है जहाँ से आप सी एम ए ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे फर्स्ट तरीका तो ये है सेकंड अब जैसे पी की वैकेंसीज बार बार स्टूडेंट्स के आते हैं कि पी की वैकेंसी हमें कैसे मालूम चलेगी तो देखो तो जो पी की भी जो वैकेंसी आती है ना वो यहीं पर पोस्ट होती है इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट पे जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे सी एम एंट्री लिया है सेम इसी तरीके से पी एच की वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट होती है इसके अलावा भी आप पी एच की वैकेंसी को आप यहाँ देख सकते हो जैसे आप प्लेसमेंट सेल में जब आप जाओगे यहाँ पे आप ओपनिंग फॉर क्वालिफाइड इंटरमीडिएट देखो यहाँ पे भी दे रखा है यहाँ पे देखो पी की वैकेंसीज आपको दिख रही होगी पुरानी वैकेंसीज है बट यहाँ पे भी आप पोस्ट देख सकते हो ठीक है इसके अलावा और कहाँ वैकेंसी आती है पीएस्यूच की इसके अलावा बहुत सारे आप पर अगर आप नहीं हो तो आप लिंक इन को ज्वाइन कर लो वहाँ पे बहुत सारे सी एम ए जो ऑलरेडी वर्किंग है किसी ने किसी पी में वो डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं जैसे मान लो कोई इंडियन ऑयल में कोई सी है वर्किंग है तो वहाँ से कोई वैकेंसी जाए उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया वो वैकेंसी इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच पाती है जो लोकल चैप्टर्स होते हैं चैप्टर्स के पास पहुँच जाती है जैसे पटना चैप्टर है तो सी जो इंडियन ऑयल की वैकेंसी पटना के लिए थी तो पटना चैप्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं वो निय चैप्टर को ही मोस्टली इन्फॉर्म करते हैं ऐसा नहीं कि हर पी सॉरी जो पी में जो एम एज ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है वो ऑनलाइन पोर्टल पे आती है तो आपको नीरेस्ट चैप्टर के साथ भी अपडेट करना होगा सेकंड थिंग इसके अलावा भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं लिंक टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं जहाँ पे सारी वैकेंसी शेयर होते रहती है तो आपको उन सारे ग्रुप्स जहाँ पे सी एज वैकेंसीज अपडेट होते रहती है आपको वहाँ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना पड़ेगा स्पेशली मैं आपको सजेशन दूंगा लिंक पे तो जरूर कनेक्ट हो जाओ एंड टेलीग्राम पे भी मैंने दो चार ऐसे ग्रुप देखे हैं जहाँ पे काफी सारी वैकेंसी आती है तो आप टेलीग्राम पे आप देखो सी एम एच वैकेंसीज करके सर्च मारो सी एम एच जॉब अपॉर्चुनिटी करके सर्च मार के आप उस ग्रुप्स को देखो बाकी मेरी भी ग्रुप है टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप टेलीग्राम पे आप सी एम ए रोहन सर्च करोगे तो आपके मेरे आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे तक जो वैकेंसीज पहुँचती है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ तो इस तरीके से आप पहले वैकेंसीज फाइंड आउट कर सकते हो अब वैकेंसी जब फाइंड आउट होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी मेल आई उनका दिया होता है जिसपे आपको अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करना पड़ता है या फिर कुछ वैकेंसीज में क्या होता है वो अपना प्रोफॉर्मा दे देते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में आपकी डिटेल्स चाहिए उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है और फिर से आपको सबमिट करना पड़ता है इसके बाद क्या होता है जब आप पी एस में आप अपने फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दोगे एज ए सी एम ए ट्रेनिंग के लिए तो फिर पी एस यूज का टेन टू फिफ्टीन डेज में अगर आपका रिज्यूम शॉर्ट हो जाता है तो उनकी तरफ से आपको कॉल या फिर मेल या दोनों आ सकते हैं एंड फिर आपका इंटरव्यू होगा आफ्टर इंटरव्यू टेन टू फिफ्टीन डेज के अंदर आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल तो आपको कॉल करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है फिर आपको ऑफर लेटर देंगे सी एम ट्रेनिंग का एंड देन फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आपकी वन ईयर की ट्रेनिंग होगी फिफ्टीन मंथ की ट्रेनिंग होगी आफ्टर कम्प्लीस ऑफ फिफ्टीन मंथ आपको सर्टिफिकेट दे देंगे ये कम्पलीट प्रोसेस है तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है बिकॉज देखो अप्लाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सी कैसा दिखता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आप किस तरीके से मेल आप सामने वाले को भेजते हो बिकॉज आप वहाँ पे एक्चुअल में खुद प्रजेंट नहीं हो आपका सी बी आपकी मेल ड्राफ्टिंग ही आपको प्रजेंट कर रही है तो उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि आपकी सी बी एंड मेल बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आप उसके लिए आप डिटेल वीडियो मेरे देखो सी बी फोर सी एम ए आप गूगल पे सर्च मारो यूट्यूब पे सर्च मारो आपको वीडियो मिल जाएगी एंड वहाँ से आप उस तरीके से अपनी फॉर्मेट सी भी की आप बना सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप्स सो कि आपको यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिला हो एंड फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो थैंक्स बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक